दोस्तों आज हर शख्स व्हाट्सएप को यूज़ करता है, लेकिन व्हाट्सएप के अंदर हम चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स हो, बहुत सारे ऐसे फ़ीचर्स हो जो व्हाट्सएप के अंदर नहीं होते। लेकिन हमारे व्हाट्सएप के अंदर हम देखते हैं कि हमारे व्हाट्सएप में बहुत कम फीचर्स होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप के अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स होने चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक व्हाट्सएप डाउनलोड करना पड़ेगा जिसके अंदर बहुत सारे फ़ीचर्स होंगे। जो व्हाट्सएप है, जी व्हाट्सएप, आप सब जानते होंगे जी व्हाट्सएप के बारे में कि जी व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा व्हाट्सएप है। उसके अंदर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर नहीं मिलेंगे। उसके अंदर आपको एक फीचर्स ये मिलेगा कि आप 5 मिनट तक का भी स्टेटस अपने व्हाट्सएप के अंदर लगा सकते हो, और उसके अंदर आपका किसी भी का भी डिलीट स्टेटस भी आप अपने व्हाट्सएप के अंदर देख सकते हो, किसी का भी डिलीट मैसेज वगैरह भी आप अपने व्हाट्सएप के अंदर देख सकते हो जो नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर नहीं मिलते। इसके अलावा भी और बहुत सारे फीचर्स जी व्हाट्सएप के अंदर होते हैं जो आपको मिलते हैं। तो आपको आज हम आपको बताएंगे कि जी व्हाट्सएप डाउनलोड कैसे किया जाता है। वैसे मैंने बहुत सारी वीडियो के अंदर जी व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, लेकिन बहुत से लोगों को जी व्हाट्सएप डाउनलोड करने में परेशानी आ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं उसके ऊपर पूरी एक वीडियो बना देता हूँ, तो आपको आसानी से जी व्हाट्सएप डाउनलोड करने में कोई परेशानी ना आए। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, जी व्हाट्सएप डाउनलोड करने के लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में चलना होगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग इस तरह की वीडियो लाते रहते हैं। तो हमें सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। वहाँ पर हमको सर्च बार के अंदर जी व्हाट्सएप डाउनलोड ये आप देख सकते हैं, जी व्हाट्सएप डाउनलोड पर मुझे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे ऊपर वाला ऑप्शन नज़र आएगा आपको, जी व्हाट्सएप एपीके डाउनलोड अपडेट जुलाई 2021, यानी कि नया अपडेट है, अभी जुलाई का अपडेट है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, इस वाले अपडेट को, इस वाले एपीके को डाउनलोड करना है। सिंपल है, आप जी व्हाट्सएप डाउनलोड आपको कुछ भी नहीं करना है, सर्च में जी व्हाट्सएप लिखना है और डाउनलोड क्लिक कर यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। तो सबसे ऊपर जो आपको लिंक मिलेगा उसी पर आपको क्लिक करना। तो मैं यहाँ पर जी व्हाट्सएप पर क्लिक कर देता हूँ। मैं जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। आप आसानी से देख सकते हैं, आसानी से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप जी व्हाट्सएप आपको दिख रहा होगा जी व्हाट्सएप एपीके डाउनलोड। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पूरा जी व्हाट्सएप एपीके लेटेस्ट वर्जन, इसके बारे में पूरी डिटेल दी गई है, नाम एंड्रॉयड वर्जन, यानी कि आपको सारा का सारा डिटेल इसके अंदर दीजिए जा चुकी हैं। तो हमें करना क्या होगा, आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आना होगा। नीचे आने के बाद आपको दिख रहा होगा डाउनलोड जी बी व्हाट्सएप एपीके, यहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे आपको। आपको डाउनलोड जी बी व्हाट्सएप सर्वर जी व्हाट्सएप प्रो, यहाँ पर आपको सबसे ऊपर वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, जी व्हाट्सएप एपीके पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ऐड आएगा, हम इसको क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ पर एक क्लोज़ करने के बाद आपको देख सकते हैं आप, यहाँ पर नीचे आपको नज़र आएगा डाउनलोडिंग फाइल, यानी कि हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। इसके ऊपर हम डिटेल पर क्लिक करके देखते हैं कि हमारा डाउनलोड शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो यहाँ पर डिटेल पर हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड शुरू हो चुका है, और यहाँ पर डाउनलोडिंग भी हो चुका है। देख सकते हैं आप, हमारा डाउनलोडिंग चल रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा डाउनलोड हो चुका है, आपके सामने डाउनलोड हो चुका है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं। हम जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं डू यू वांट इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन, हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं। जैसे हम इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ पर आप अपने ये थोड़ा प्रोसेस ले रहा है, तो यहाँ पर धीरे धीरे इंस्टॉल हो रहा है, तो आप यहाँ से इंस्टॉल कर लीजिएगा। देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपसे आपके मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, तो आपको क्या करना है, स्टोर ए डाटा, यानी कि आपको रिस्टोर करना है डाटा। तो यहाँ पर आप रिस्टोर भी कर सकते हैं, कंटिन्यू पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिस्टोर डाटा कर देता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर आप एप्लीकेशन यहाँ पर देख सकते हैं, आप फाइल वगैरह की आपसे परमिशन मांगेगा तो आपको अलाउ करनी है। तो आप देख सकते हैं रिस्टोर, यानी कि आप यहां से रिस्टोर भी कर सकते हैं, मेबल डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं यहां पर रिस्टोर कर देता हूं, सिलेक्ट बैकअप फाइल, मैं यहां से फाइल बैकअप। तो यहां से आप देख सकते हैं, तो हमें यहां पर अब करना क्या होगा,
तब आपको यहाँ पर अपने फ़ोन नंबर डालने पड़ेंगे। आपका अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल लिया है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हैं, ओके पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर अलाउ का में ऑप्शन आएगा, अलाउ करना है। तो यहाँ से आपको एक OTP आएगा आपके मोबाइल के अंदर। तो आप अपने OTP को इस जगह पर डाल दीजिएगा। आपने ये ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुका है। आप यहाँ से इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ से स्किप कर दीजिएगा, यहाँ से स्किप। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा यहाँ पर पहले अकाउंट बना हुआ था, तो यहाँ पर आ चुका है। आप यहाँ से आपका नाम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ शान। तो मैंने यहाँ पर शान डाल लीजिएगा। आप आपका नाम यहाँ से डाल दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आप चेक भी कर सकते हैं यहाँ पर किस तरह से हमें व्हाट्सएप में क्या क्या चीज़ें मिलेगी। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, उसके बाद क्लोज कर दीजिएगा। तो आप देख सकते हैं हमारा व्हाट्सएप ऑन हो चुका है। तो यहाँ से हम अभी हमारे कुछ भी ग्रुप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से आप यहाँ से जाकर इस पर सेटिंग, बहुत सारे सेटिंग मिलेगा आपको यहाँ पर। तो आप यहाँ पर बहुत सारे फ़ीचर्स मिलेंगे आपको। तो सारे फ़ीचर्स मैं आपको अगली बार बताऊँगा कि इसके अंदर कौन कौन से फ़ीचर्स मिलते हैं और क्या क्या मिलता है। लेकिन मुझसे लोगों ने कमेंट किया था, पूछा था कि क्या GB व्हाट्सएप को डाउनलोड करना, क्या GB व्हाट्सएप को इस्तेमाल करना, क्या GB व्हाट्सएप को हम डाउनलोड कर सकते हैं या डाउनलोड करना चाहिए। तो क्या GB व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना सेफ़ है, सिक्योर है? तो मैं आपको बता दूँ कि ये जो व्हाट्सएप है, GB व्हाट्सएप है, आप इसको सिक्योर नहीं समझे तो बेहतर है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये GB व्हाट्सएप आपको प्ले स्टोर के अंदर नहीं मिलेगा। अगर ये सेफ़ होता, सिक्योर होता या ट्रस्टेबल होता तो ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाता। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ये प्ले स्टोर के अंदर नहीं है, तो इस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, आप इस पर भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि ये एक थर्ड पार्टी ऐप है, व्हाट्सएप का ओरिजिनल वर्जन नहीं है। तो आप इसको, आप मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि आप इसको यूज़ ना करें। अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मुझे व्हाट्सएप यूज़ करना है, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको जो व्हाट्सएप है उसके अलावा सेकंड व्हाट्सएप की तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। यानी कि आप इसको सेकंड व्हाट्सएप की तरह इसको यूज़ करें, जिसके अंदर आपके ज़्यादा कॉन्टेक्ट ना हो या ज़्यादा आपके पर्सनल डिटेल वगैरह ना जाती हो या आपके पर्सनल फ़ोटो वगैरह आप इस पर ना भेजें तो बेहतर है। क्योंकि ये आपके फ़ोटो वगैरह, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह को लीक भी कर सकता है। इसलिए आप इस पर अपना अकाउंट बनाएं, लेकिन ऐसे अकाउंट से बनाएं, ऐसे अपने नंबर से बनाएं जो आप ज़्यादा यूज़ नहीं करते हो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और आपको पता चल गया होगा। अगर फिर भी आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें। आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम इसकी अगली वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि आप इसके अंदर कौन कौन से सेटिंग है और कौन कौन से इसके अंदर फीचर्स है। मैं आप अगली वीडियो के अंदर बताऊँगा।